और मैं वचन में से एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। प्रकाशित वाक्या और उसका 14वां अध्याय उसकी 13 वर्ष में लिखा है, फिर मैंने आकाश से ये शब्द सुना के लिख, और धन्य है वो मुर्दे जो इससे आगे प्रभु में होके सोए। मरद आत्मा कहता है कि वो अपनी मेहनत अपने कामों से उनको आराम मिलेगा और उनके काम उनके साथ जाते हैं। खुदावन की ब्लेसिंग उनके प्रभु के वचन पे हो। और मैं भाइयों में आपको वचन में से सिर्फ ये हिस्सा कहना चाहता हूं, जब हम सब भाई दास के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम जानते हैं ये भाई दास का सम्मान है जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में सेवा के रूप में किया है, हम उस भाई के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं। और खाली मैं अकेला मछवाड़ा से नहीं, और भी हमारे साथी भाई आना चाहते थे और काफी सेवक पंजाब भर से यहाँ पर आए हैं, भारत भर से आए हैं। ये उस भाई की मेहनत है जो उस भाई ने प्रभु यीशु मसीह में करी है। बहुत सारे लोगों को भाई ने इस मैसेज में लेके आया और ऐसे भाई को मसीह में हमारा सलाम है। और खुदावन उस भाई को अपने उस स्थानों में रखे जो खुदावन ने अपने विश्वासी लोगों के लिए तैयार करे हैं। और इसके साथ ही मैं वचन में से बस एक दो बातें बोल के बंद करूंगा। जब हमने वचन में पढ़ा तो प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, धन्य है वो मुर्दे, धन्य है वो लोग जो इससे आगे प्रभु में होके सोए। और जब हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसके पहले प्रकाशित वाक्य 14:6 में एक दूत का जिक्र आया है, फिर दूसरे दूत का जिक्र है, और 14:8 में और फिर 14:9 में तीसरे दूत का जिक्र है। और जब हम भाई ब्रानम के संदेश में पाते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में खुदा ने एक एलिय्याह नामक भविष्यवक्ता को भेजा जिसका नाम आज के समय विलियम एलन ब्रानम है। और हम सब नबियों के विश्वासी हैं और हम विश्वास करते हैं जो भाई ब्रानम ने बोला वो परम सत्य है। और हमारी पेट हमारा लंगर भाई ब्रानम के संदेश के ऊपर रखा हुआ है, वचन के ऊपर रखा हुआ है। और नबी ने कहा कि यह पहला दूत मार्टिन लूथर है, दूसरा दूत जॉन वेस्ली है और तीसरा दूत पेंटिकॉस्टल में पवित्र आत्मा था। और जब ये तीनों दूत अपनी गवाही भर लेते हैं तब आगे लिखा, धन्य है वो मुर्दे जो इससे आगे प्रभु में होके सोए। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब ये चीजें हो गए तब एक रक्षण का प्रोसेस शुरू होता है। और रक्षण के प्रोसेस में तीन हिस्से हैं, एक निर्धार है, दूसरा महादूत की आवाज है और तीसरा खुदा की दुराई है। और हम जानते हैं निर्धार वो संदेश है जो दुल्हन को इकट्ठा करता है और महादूत की आवाज जो शोर और संतों को कब्र से बाहर निकालती है और खुदा की दुराई दोनों को मिला के रक्षण में लेके जाती है। और हम जानते हैं जब मोहरें प्रचार हुई तो मोहरों ने दुल्हन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो हम उस रैप्चर के भेद में शामिल हो चुके हैं और उस भेद में जब आ चुके हैं अब कुछ ही पलों की बात है जो प्रभु में सोए हैं वो सारे के सारे कब्रों में से निकल के बाहर आ जाएंगे। और इसलिए वचन में लिखा, धन्य है वो जो इससे आगे प्रभु में होके सोए। क्योंकि अब जो हमारा भाई जो है जिसको हम नाशवान के रूप में मिट्टी में बोएंगे लेकिन अविनाशी होकर जो जी उठेगा और शरीर में बोएंगे और वो अपने मुर्दों में देंगे मुर्दों में से जी उठेगा। तो हम विश्वास करते हैं कि हम भाई से मिलने नहीं जा रहे बल्कि हमारा भाई उस राम वाली जगह में जाएगा और कुछ देर बाद हमारा भाई हमसे मिलने के लिए पृथ्वी पे आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता और हम जीवते हैं और हमारा भाई जवान होके हमसे मिलेगा, क्योंकि वचन यूं कहता है कि सोए हुए पहले जी उठेंगे और हम जो बाकी हैं प्रभु के मिलने के लिए हवा में उठा ले जाएंगे। तो मैं आप सबको ये दिलासा देना चाहता हूँ, हमारा भाई मेहमान वाली जगह में जा चुका है और खुदावन हमारे भाई को उसके परिवार को सबको और भाई बहनों को तसल्ली है और हम उस भेद के हिस्सेदार हैं। और हम जानते हैं बहुत जल्दी
हम उस महिमा को प्राप्त करने वाले हैं जो खुदा ने हमारे लिए ठहरा रखी है। खुदा सबको बहुत बरकत दे, सबको मिलकर से चलो।